माइंड गेम नाम का एक टीजर देखा है, उड़िया फिल्म है, तनिकेला भरानी, मनोज मिश्रा, यशपाल शर्मा, अतुल कुलकर्णी, ये सब महान बढ़िया कमाल के कलाकारों से सजा ये टीज़र है। 59 सेकंड का ये टीज़र इतना कमाल का लगा है मुझे कि मेरे पास शब्द नहीं है। एक तो विजुअल बहुत अच्छा काटा है पूरे टीज़र में, मोंटाज इसे हम कहते हैं, एक के बाद एक सीन्स लिया गया है हर एक तथ्यों से या घटनाओं से, और क्लोज शॉट्स जो लिए गए हैं चाहे वो अतुल कुलकर्णी के हो, तनिकेला भरानी या फिर मनोज मिश्रा के, वो चेहरे से ही पता चलता है कि एक्टर्स कितने खतरनाक है और कितने टैलेंटेड है। और उड़िया सिनेमा अच्छा सिनेमा बना रहा है, दमन फिल्म भी उसकी एक जीती जागती मिसाल है, और जिस तरह से कन्नड़ा इंडस्ट्री काफ़ी बदलाव आया पिछले 3 सालों में, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और फिल्में भी अच्छी आई, वैसे ही उड़िया सिनेमा का सुनहरा भविष्य उनकी राह में नज़र गड़ाए बैठा है। और सूर्योदय हो चुका है उड़ीसा सिनेमा का, अच्छे सिनेमा का, और मुझे ये टीज़र बड़ा ही लाजवाब लगा है, और टीज़र से मैं और भी एक्साइटेड हो चुका हूँ ट्रेलर देखने के लिए। तो डायरेक्टर साहब इसे प्लीज़ जल्द से जल्द इसका ट्रेलर रिलीज़ करिए, और मैंने जितना सुना है कि शायद दिसंबर महीने में इसका ट्रेलर आएगा और जनवरी महीने में ये फिल्म रिलीज़ होगी। और मनोज मिश्रा जैसे करेक्टर है, अतुल कुलकर्णी मुझे बहुत पसंद है एज एन एक्टर, तो मैं यशपाल शर्मा सभी मतलब, तो मैं चाहूँगा कि ये फिल्म जल्द से जल्द आए और मैं इसे देखने की कोशिश करूँगा थिएटर में। लेकिन फ़िलहाल मैं टीज़र की अगर बात करूँ तो माइंड गेम का टीज़र वाकई माइंड ब्लॉगिंग है, माइंड को आपके हिला के रख देगा, छोटा सा टीज़र लेकिन दिल तक छूता है, बड़ा ही अनोखा है, यूनिक है, गूज़बम्स क्रिएट करता है, मिस्ट्री क्रिएट करता है, क्योंकि क्राइम थ्रिलर ये फिल्म है, और जितना मुझे समझ में आ रहा है ये रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। 2018 में उड़ीसा में एक बम ब्लास्ट हुआ था, वो बंदा जो जिसने किया था उसका माइंडसेट क्या था उस चीज़ों को लेकर ये फिल्म का ताना बाना बुना गया है जितना मुझे पता चला है। मुझे बहुत अच्छा लगा माइंड गेम का टीज़र, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।